स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपके घर में पढ़ रहा शिशु लड़का है अथवा लड़की। वैसे तो आप सोनोग्राफी के माध्यम से यह पता लगा सकते हैं, लेकिन सोनोग्राफी का टेस्ट कानूनी अपराध है, इसलिए यदि आप ये टेस्ट कराओगे तो आपको जेल हो सकती है। हम यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप बिना सोनोग्राफी के अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके पेट में लड़का होने के संकेत हैं या लड़की होने के। फिलहाल हम आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और आपको अपराध से बचाने के लिए इन शोध किए गए लक्षण को लेकर उपस्थित हैं इस वीडियो में। तो पेट में लड़का है या लड़की कैसे जाने? महिला के गर्भवती होने पर किसी की यही जिज्ञासा होती है कि उसके घर आने वाला नया मेहमान लड़का होगा या लड़की। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। तो चलिए जानते हैं कि बिना अल्ट्रासाउंड के कैसे पता लगाएं कि पेट में उपस्थित शिशु वास्तव में लड़का है या लड़की। यहाँ पर बताए गए सभी विचार एक बेहतर रिसर्च के बाद सामने आए हैं। आशा करता हूँ गर्भ में लड़का या लड़की के निर्णय आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। ब्रेस्ट में निप्पल का रंग कैसा है? जिन महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान निप्पल का कलर अगर गाढ़ा नज़र आता है तो ये बात दावा की जाती है कि पड़ रहा बच्चा लड़का है। मीठा सोडा से करें टेस्ट। महिला सुबह उठते ही अपने मूत्र को एक कटोरी में रख लें या एक कप में रख लें। उस कटोरी में एक चम्मच मीठा सोडा डालें। अगर झाग उठता है तो लड़की है और अगर झाग नहीं उठता तो लड़का है। अगर यूरिन है पीला, पेट में पल रहा बच्चा अगर लड़का है तो मूत्र यानी यूरिन का कलर गाढ़ा पीला होगा। वहीं अगर पेट में पल रहा शिशु एक बालिका है तो मूत्र का कलर हल्का पीला होगा। बच्चा कहाँ फील होता है? अगर पेट में पल रहा बच्चा पेट के ऊपर की ओर प्रतीत होता है तो ये कहा जा सकता है कि पेट में पल रहा बच्चा लड़की है, और यही अगर पेट के नीचे की ओर फूला हुआ नज़र आता है तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है। दूध से चेक कर सकते हैं। महिला के स्तन का दूध निकाल लें, उसमें बाल में पाई जाने वाली जूं या जुआ कहते हैं इसे डाल दें। अगर जुआ मर जाता है तो लड़की होगी, यदि जिंदा रहता है तो लड़का होगा। सुबह उठने के दौरान थका हुआ महसूस करती हैं तो गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है। यही अगर उल्टा होता है तो पेट में पल रहा बच्चा लड़का हो सकता है। स्तन का आकार। अगर आपके राइट स्तन लेफ्ट स्तन के मुकाबले बड़ा है तो पेट में लड़का है, और अगर लेफ्ट स्तन बड़ा है तो पेट में पल रहा बच्ची लड़की है। तो दोस्तों, त्वचा का निखार। गर्भावस्था के दौरान अगर त्वचा में निखार हो रहा है तो पेट में पल रहा शिशु लड़का है। वहीं अगर चेहरे पर पिंपल्स आदि कई त्वचा संबंधी समस्याएं हैं तो ज़रूर लड़की है। हाथ कैसे हैं? अगर हाथ सुंदर लचीले गोरे कोमल और गर्भ में पल रहा शिशु लड़की होगी। साथ ही अगर हाथ मर्दों की तरह कड़क हो गए हैं, निखार गायब हो गया है तो लड़का होगा। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि पुराने समय में ऋषि मुनि या अन्य लोग किस बात पर ये अन्वेषण करते थे कि कोख में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें हौसला मिलता रहे और हम ऐसे ही इंटरेस्टेड नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो धन्यवाद।